हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बानी जे आज आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा लाई हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों को जड़ से काला कर पाएंगे, वो भी नेचुरल तरीकों से। दोस्तों, ये नुस्खा उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनके बाल कम उम्र में सफ़ेद हो गए हो, और अगर आप अपने बालों को और ज़्यादा काला बनाना चाहते हैं तो आप इस नुस्खे को ध्यान से देखिए कि मैं इसे कैसे बना रही हूँ, ताकि आपको इस नुस्खे का पूरा फ़ायदा मिल सके। ये नुस्खा हमने सिर्फ 3 चीज़ों से तैयार किया है जो कि हर किसी के घर में आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारा नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पर चाहिए वो है आंवला तेल। दोस्तों, आंवला के अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे बालों के लिए वरदान है, और आंवला हमारे बालों को मजबूत और काला बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो हम करीबन 1 चम्मच आंवला का तेल यहाँ पर लेंगे। इस तरीके से हम 1 चम्मच आंवला तेल लेंगे। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर चाहिए वो है विटामिन ई। दोस्तों, आपको ये कोई भी मेडिकल के स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। विटामिन ई हमारे बालों को पोषण और न्यूट्रिशन दोनों देता है। तो दोस्तों, हम इस विटामिन ई के कैप्सूल को कट करके इसके अंदर का जेल हम इसके अंदर डाल लेंगे, इस तरीके से। तो दोस्तों, इसके बाद अब जो तीसरी चीज़ हमें यहाँ पर चाहिए जो इस नुस्खे का मेन इंग्रेडिएंट है वो है ब्राह्मी पाउडर। दोस्तों, ये एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है और ये आपको आयुर्वेदिक के शॉप में आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए। ये हमारे बालों को काला व मजबूत करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो हम यहाँ पर ब्राह्मी पाउडर 1 चम्मच लेंगे इस तरीके से, और फिर इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमें इसका इतना बेहतर और काला पेस्ट यहाँ पर मिल चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है। आपको इसे अपने उंगली की मदद से इस तरीके से इसे लेना है, और इसे आप अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से मसाज दीजिए। इस तरीके से आप इसे अपने हाथों से, जोरों हाथों से आप इसे अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से मसाज दीजिए, और फिर इस तरीके से इसका लेप लगाकर आप इसे अपने बालों की जड़ों पर लगे रहने दें, और आप इसे अपने बालों के ऊपर कम से कम 1.5 से 2 घंटा रख दीजिए। दोस्तों, आपको इस नुस्खे का इस्तेमाल डेली करना होगा, जिससे कि आप पहले हफ्ते में देखेंगे कि आपके बाल काले हो जाएंगे, और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो आपके बाल झड़ना भी रुक जाएंगे, क्योंकि ये नुस्खा आपके बालों को सिर्फ और सिर्फ काला नहीं बनाता, साथ ही साथ ये आपके बालों को मजबूत भी करता है। दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और आपको इसका रिजल्ट 1 हफ्ते में ही देखने को मिलेगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपको फिर से मिलूंगी एक नए अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।